कितना टाइम लगेगा भैया? Just few minutes, ma'am. I'll fix it. क्या बात है? आजकल गाड़ी ठीक करने वाले भी इंग्लिश में बात करते हैं. Actually, ma'am, I'm very educated. You know, I have passed out from Delhi University, so I know how to speak English. Really good. अगर आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करिए ना जॉब के लिए. Why you are doing all this? मैम एक्चुअली वो कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. खैर छोड़िए, बहुत लंबी कहानी है. वैसे भैया गाड़ी ठीक होने में तो अभी टाइम लगेगा ना, तो मैं आपकी कहानी सुनना चाहूंगी. आप प्लीज मुझे बताओ कि ये सब कैसे हो गया. तो मैम आपको तो पता ही होगा ना, कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था गाड़ी के एक्सीडेंट का, जो एक लड़की ने वायरल किया था. हाँ हाँ भैया, शायद वो तुम ही हो ना, पर तुमने ऐसा क्यों किया उस लड़की के साथ? बहुत गलत इंसान हो तुम तो. देखा मैम, आपने भी मुझे गलत ठहरा दिया. इसमें भी आपने मेरी गलती निकाल ली. आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली सबको ये लगा था. लेकिन मैम मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो आराम से बाइक चला के अपने घर जा रहा था और वो पता नहीं लड़की अचानक से कहाँ से आई और उसने अचानक से मुझे ठोक दिया. अरे मैडम ये क्या किया आपने? आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? खामखा मेरा इतना नुकसान कर दिया आपने. अबे ओए, तू अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी तेरे को दिखती नहीं है? बीच सड़क पे बाइक रोकी हुई है. अरे मैडम मैं तो आराम से ही खड़ा था, आप ही एकदम से पीछे से आ गए और मेरी बाइक ठोक दी. अब इसका नुकसान कौन भरेगा? लाइए मेरे पैसे लाइए. अबे पागल है क्या? मैंने कहा नुकसान किया तेरा, तूने मेरी गाड़ी का नुकसान किया. देख कितना ठोक दिया तूने मेरी गाड़ी को. पैसे निकाल, तू मुझे पैसे देगा, मैं तुझे क्यों दूं? अरे मैडम ये क्या बात हुई, ये क्या बदतमीजी है? एक तो आपने मेरी बाइक ठोकी है और आप मुझ पे ही चढ़ी जा रही हैं. बदतमीजी मैं कर रही हूँ? अरे भी बदतमीजी की कहें, मैं तुझे बताती कि बदतमीजी क्या होती है. ये क्या कर रही हैं आप? मैंने तेरी वीडियो बना रही हूँ और अब देख तेरा क्या हाल होता है. हाँ हाँ ठीक है, बनाइए आप वीडियो, अच्छे से बनाइए. अरे जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो वीडियो बना के क्या कर लोगे आप? वो तो पता चल जाएगा कि गलती किसकी है और किसकी नहीं. मैंने ना तेरी वीडियो बना ली और अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है. हाँ हाँ ठीक है, जाइए जाइए, मैं भी देखता हूँ क्या कर लोगी आप. एक तो गलती खुद ही करी है, ऊपर से मुझ पे चढ़े जा रही है. इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा. और पता नहीं मैम उस लड़की ने ऐसी वीडियो एडिट की जिसमें मैं ही गलत लग रहा था. मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं ऐसे वायरल हो गया, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरी फैमिली ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे ही गलत ठहराया. और मैम आपको पता है जिस जेल में मैं था ना, वहाँ पे 90% कैदी ऐसे थे जो बिना किसी गलती के सज़ा काट रहे थे, उनमें से मैं भी था. और मैम आपको पता है जब मैं जेल से बाहर आया ना, तो सबसे पहले मैं अपने घर गया था. मुझे लगा मेरी फैमिली मुझे अब तो अपना ही लेगी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं अपनाया और फिर से घर से बाहर निकाल दिया. जब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था तब मुझे कुछ तो काम करना ही था ना, आखिर पापी पेट का जो सवाल था, इसलिए मुझे ये मैकेनिक का काम आता था, तो सोचा यही काम कर लेता हूँ. तो बस आज मैं आपकी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं था वायरल जो ठहरा. और मैम आपको तो पता ही है ना, जब किसी लड़के पे ऐसा कोई धब्बा लगता है ना, तो वो लाइफ टाइम तक नहीं जाता, वो सारी ज़िंदगी उसी गम में जीता रहता है. और कई लड़के तो ऐसे होते हैं जो गम के मारे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये समाज ना हमेशा लड़कों को ही गलत समझता है, लड़की को नहीं. और लोगों ने ना एक बार भी नहीं सोचा कि सही क्या है और गलत क्या है, लोगों ने तो बस मुझे ही गलत ठहरा दिया. लेकिन भैया उस लड़की ने ऐसा किया क्यों? ईगो मैम, ईगो, इसलिए उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, वो सही नहीं पाई ना. ये तो उसने बहुत गलत किया. जब किसी इंसान पे झूठे एलिगेशंस लगते हैं ना, तो लोग ये जानना ही नहीं चाहते कि वो एलिगेशंस झूठे हैं या सच्चे. और जब तक कोर्ट का फैसला आता है ना, तो लोग उससे पहले ही फैसला कर लेते हैं कि यही गलत होगा. और जब ऐसी कोई वीडियो वायरल होती है ना, तो लोग सिर्फ मजे लेते हैं, उसको और वायरल करते हैं. वो ये नहीं सोचते कि जिस बंदे की वीडियो वायरल हो रही है उसकी फीलिंग्स पे कितना हर्ट होगा, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, उसको समाज अपनाएगा या नहीं अपनाएगा. उनको तो बस मजे लेने से मतलब है. खैर छोड़िए मैम, हम भी किस बातों में लग गए. अब मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ और मुझे तो बस अपनी ज़िंदगी काटनी है ना, चाहे कोई भी काम करूँ, आखिर अपना पेट तो पालना ही है ना मुझे. कोई बात नहीं भैया, आप दिल छोटा मत करो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा हो आपके लिए. नहीं मैम, मुझे नहीं लगता कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि अगर वो अच्छे के लिए कर रहा होता ना, तो मेरे साथ आज ये सब नहीं हो रहा होता. लेकिन मैम मुझे ना ये विश्वास ज़रूर है कि अगर कोई ऊपर बैठा है ना, तो वो मेरी आवाज़ ज़रूर सुन रहा होगा और वो इस बात का फैसला ज़रूर करेगा कि कौन सही है और कौन गलत, और जो गलत है ना उसको एक ना एक दिन सज़ा ज़रूर मिलेगी.
और अगर ऊपर कोई बैठा है ना तो वो मेरा फैसला उस लड़की का फैसला जरूर करेगा एक ना एक दिन। खैर छोड़िए मैम, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। ये लीजिए मैम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। भैया कितने पैसे हुए? साक्षी गाड़ी ठीक हो गई? हाँ मैम हो गई आपकी गाड़ी ठीक। कितने पैसे हुए भैया आपके? नहीं मैम कोई बात नहीं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया आप मुझे बताओ, आपने गाड़ी ठीक करी है मेरी, आप पैसे लेके जाइए। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है मैम, इट्स ओके मैं चलता हूँ। पता नहीं काव्या इस दुनिया में कैसी कैसी लड़कियां होती हैं जो अपने ईगो के चक्कर में ना जाने कितने लड़कों की जिंदगी खराब कर देती है और फेमिनिज्म के नाम पे लड़कों को बहुत हर्ट करती है। खैर मुझे खुशी है कि हम दोनों ऐसे नहीं हैं। चलो